उत्तर प्रदेश के जनपद फरुखाबाद कस्बा शमशाबाद के ग्राम रसीदपुर तराई के प्राथमिक विद्यालय की जब क्लास चल रही थी करीब 10 बजे लेंटर के पीछे का हिस्सा प्लास्टर नीचे गिर गया, जिससे क्लास में बैठे दो छात्राओं के सिर में काफ़ी चोट आई। क्लास के समय रूम में 22 बच्चे पढ़ रहे थे और टीचर पढ़ा रहे थे। उसी समय अचानक लेंटर का प्लास्टर गिर जाने से दो छात्रों के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिससे टीचर और प्रधानाध्यापक आनंद फानन में बच्चों को लेकर CHC शमशाबाद लाए और उनका इलाज कराया। घायल बच्चों में सोनम और सुधा कुमारी कक्षा 4 की छात्राएं हैं। सोनम की मां का कहना है कि मास्टर साहब ने पट्टी तो करवा दी लेकिन टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लग पाया और जब बच्चों के चोट लगी तो उन्होंने हमें बताना नहीं समझा, अपने आप चुपचाप शमशाबाद CHC केंद्र ले गए और पट्टी बंधवा कर मेरे पास छोड़ दिया। उनका कहना है स्कूल में घटिया लागत से बना कमरों का खस्ता हाल दिख रहा है, जिससे कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। पूरे विद्यालय में बालू की मात्रा ज्यादा लगाई गई है, जिससे प्लास्टर छूट रहा है। इस बच्चा कहाँ गया था? स्कूल है ना तो बच्चा। अच्छा स्कूल में था। तो कैसे चोट लगी इसके? इनके वो पता था इनका गिर गया वो चल के यहाँ वही लेंटर की यहाँ चोट लग गई। तो पट्टी तो हो गई? पट्टी हुई गई काफी, उनके चोट लगी भाई। उनने पट्टी बनवाई ना तब टिटनी की सुई लगवाई और ना दवा हुई थी तो इधर धीरो बच्चा वो तंगते परेशान है। मास्टर ने जब मास्टर साहब लगे तब मेरे बच्चे वो सुन लाए। तो आप लोग सूचना दी थी उन्होंने कि नहीं? आप लोग आप इन्हें चुप्पा ले गए, हमें इन्हें सूचना उचना कछु नहीं दे ले है ना मैं गए मास्टर ने हमें कछु सूचना ही नहीं दे जाके मारे जा बजा से यहाँ की बच्चा की चोट थी काफी। अच्छा हाँ। क्या टांके यहाँ क्यों लगे हैं क्या? पता नहीं अब हमने देखी ना तो हम कहा बतावे आप। जब जान थे मास्टर साहब की जो चटको लेंटर तो अब्बा में बच्चा ना बैठते। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।